महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को देखते हुए कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि समाज में एक सकारात्मक सोच महिलाओं के बारे में विकसित किया जा सके। इसी कड़ी में महानगर के एक संस्थान द्वारा बिटिया तुझे सलाम नाम का नुक्कड़ नाटक बजाज पार्क में किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। नाटक के पात्रों के अभिनय से वहां पर उपस्थित लोग भाव विभोर हो गए। इस बारे में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान के निदेशक श्री नारायण पांडे ने बताया। अरे आप लोग मेरी मदद तो कर लेना। आप लोग से बात करने के लिए बैठे हैं। और ये उस पर चर्चा कीजिए और भूल जाइए। अरे मेरी मदद करिए ना प्लीज। ओ मैडम, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अरे कोई नहीं आएगा बचाने, कोई नहीं आएगा। नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है बिटिया तुझे सलाम,
इसको चूँकि आजकल लड़कियां जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के परचम लहरा रही हैं, हमारे देश में नारियों का बड़ा सम्मान रहा है, लेकिन इधर लगातार देखने में आ रहा है, जैसे विशेष करके अभी कठुआ में और उन्नाव में देखा गया, लड़कियों के साथ छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप और हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज में संवेदनशीलता समाप्त होती जा रही है। तो आज जबकि हमारे देश की संस्कृति ऐसी रही है कि महिलाओं का सम्मान होता रहा है, यत् नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता जैसी संस्कृति वाले देश में, आखिर में ऐसा क्या हो गया हमारे समाज में, ऐसी कौन सी आग लगी हुई है जबकि चारों तरफ इस तरीके की बहुत जिसको कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा किया जाए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इससे हम कलाकार बहुत व्यथित हैं और इसलिए हमारे इस थिएटर ग्रुप ने पूरे शहर में एक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज वह वक्त आ गया है जब हमें महिलाओं को सम्मान देने की ज़रूरत है। हमारे समाज के हर वर्ग के लोगों को जागरूक होना होगा और लड़कियों से ज़्यादा हमें आवश्यकता है अपने घर के लड़कों को जागरूक करने की।